हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को जानते हैं निम्स कॉलेज के नाम से। अगर इस कैंपस की बात करूँ तो इसकी लोकेशन आपका ग्रेटर नोएडा के पास है और ये कॉलेज आपका NIU का कॉलेज कैंपस है। अगर बात करूँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है जो कि मेडिकल कॉलेज भी इसका स्टार्ट हुआ था आपका लास्ट ईयर 2020 में कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो अगर कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज के पास 150 का इंटेक है MBBS कोर्सेज के लिए। अगर वही अगर बात करें लास्ट ईयर की कटअप की, 2020 की कटअप जो फर्स्ट राउंड में जो कटअप गया था आपका इस कॉलेज के स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर कटअप जो मिला था फर्स्ट राउंड में वो 250 के करीब जिसके मार्क्स थे नीट स्कोर में, तो उसको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। अगर सेकंड राउंड की बात करूँ तो 464 के आसपास कटअप वाले को कॉलेज अलॉट हुआ था MBBS के लिए। फ्रेंड, तो अगर फ्रेंड अगर आप इस कॉलेज के लिए बात करो तो कॉलेज का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और कॉलेज का लोकेशन बहुत ही बढ़िया। और अभी के टाइम में जेवर एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा था, जेवर एयरपोर्ट से कैंपस का डिस्टेंस भी बहुत ही सामने रहेगा। कैंपस की जो प्रॉपर लोकेशन की बात करो तो प्रॉपर लोकेशन जो पड़ता है आगरा एक्सप्रेसवे के निकट में कॉलेज पड़ता है। अगर आगरा की जो एक्सप्रेसवे है आपका इस एक्सप्रेसवे के पास कैंपस है। कैंपस की बात करूँ तो कैंपस आपका के पास 350 प्लस हॉस्पिटल का बेडेड अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसके पास है। उसके बाद अगर बात करूँ तो इस कॉलेज का सबसे बड़ा चीज़ जानना है कि जो किसी भी कॉलेज का MBBS के लिए जो जो लगता है फ़ी, वो चार टाइप की फ़ी होती है, बट इस साल जो फी बढ़ के आया है एक्स्ट्रा फीस बढ़ गया, तो पांच टाइप का फीस हो गया। तो अगर चार टाइप की फीस कौन कौन सी होती थी, पहले एक तो ट्यूशन फीस होता था आपका, एक हॉस्टल फीस, एक सिक्योरिटी मनी और मिसलिनियस चार्ज होता था। और इस साल जो आपका एक आया था वैक्सीनेशन के लिए चार्जेस आया हुआ है। तो फ्रेंड अगर इस कॉलेज की फीस की बात करूँ तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फी की बात करें तो फीस का जो है आपका ट्यूशन फीस है आपका 11,56,000 पर एनम फीस, यानी कि 11,056,000 पर एनम फीस है। इसके अर्ली जो फीस है 11,56,000 फीस है पर एनम। वहीं अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो तो इस कॉलेज में अगर सीट अलॉट होता है तो आपका जो फीस जो लगने वाला है फर्स्ट ईयर में आपका ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस, अगर आप नॉन AC टू सीटर लेते हो तो इसका हॉस्टल फीस आपका जो होता है 1,50,000 रुपीज़ पर एनम है। वही अगर AC वाला लेते हो टू सीटर रूम तो आपका जो फी होने वाला है आपका 1,75,000 पर एनम फीस। वहीं अगर सिक्योरिटी मनी की बात करूँ तो सिक्योरिटी मनी आपका रिफंडेबल, आपको पता है 3 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी मनी इसका 3 लाख रुपीज़ आपका फर्स्ट टाइम पे करना होता है। वहीं अगर मिसलिनियस चार्ज की बात करूँ तो मिसलिनियस चार्ज आपको जो पे करना है 80,000 यानी कि 80,000 रुपीज पे करना है। और वहीं अगर बात करें तो वैक्सीनेशन के चार्जेस आपका 30,000 से 50,000 के बीच में पे करना होता है। तो अप्रॉक्सिमेटली अगर कैंप इसकी पैकेज की बात करें तो सिर्फ ट्यूशन फीस की पैकेज लगभग पड़ जाती है 62 से 63 लाख रुपए के बीच में इसकी ट्यूशन फीस पड़ती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो आपको इस यहाँ पर सीट अलॉट होता है, उसकी जो आपको फीस टोटल पे करना है आपको एक लगे चलो कि आप मान लो कि ट्यूशन फीस हो गई 11,56,000 प्लस आपका अगर हमने नॉन AC रूम लिया तो आपका टू सीटर वाला तो आपको 1,50,000 रुपये आप ऐड कर रहे हैं, इसको साथ साथ आपको 3 लाख रुपीज़ जो आपका सिक्योरिटी मनी है। वहीं अगर आपका मिसलिनियस चार्ज की बात करें तो जो बताया मैंने 80,000 रुपये आपका वैक्सीनेशन मिला के, तो ये फीस आपको फर्स्ट टाइम में पे करना होता है। तो अगर आप एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज देख रहे हो तो आपके लिए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेटर हो सकता है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बहुत ही अच्छा कॉलेज है, निम्स कॉलेज। और इस कॉलेज का अच्छा सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज आपका लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और एक प्रॉपर लोकेशन पर। अगर आपको दिल्ली NCR के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना तो आप इस कॉलेज में कर सकते हो। अगर आपका रैंक अगर 250 से लेकर 300 के बीच में है तो आप फर्स्ट राउंड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज चाहिए तो आप इस कॉलेज को भी देख सकते हो। फ्रेंड, तो फ्रेंड ये बात हुई कुछ कॉलेज के डिटेल्स, साथ साथ इस कॉलेज की जानकारी आपको चाहिए और भी कुछ डीपली तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी अगर आपको काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए इस कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको दिया गया है, आप वहाँ से मेरे को फॉलो करके आप मेरे को वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड, तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप तक ऐसे ही मेडिकल कॉलेज का और भी वीडियो आपको मिलते रहेगा, एक फीस स्ट्रक्चर कटअप के डिटेल्स आपको मिलते हैं। फ्रेंड, तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो के लिए, तब के लिए बाय बाय।